हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर्स। आज ही हमारे पास एक लैपटॉप आया है, एसर एस्पायर A515। इसका टॉप पैनल हमारे पास टूट गया था, ये टॉप पैनल टूट गया था, तो टॉप पैनल टूटने में ये आया है। ये इसका जो है पुराना टॉप पैनल है जो टूटा हुआ है। ये इसका आप देखोगे ये बेजल, ऊपर का बेजल पूरा टूटा हुआ है, पूरे सारे नक्के वगैरह इसके टूटे हुए हैं, हिंच वगैरह भी इसके टूट गए थे पूरा। तो हम उसी को चेंज कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं इसको हम कैसे चेंज करते हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगर आपके लैपटॉप में भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। ये वाईफाई का भी इसी में होता है, तो ये सिग्नल के लिए इसका एंटीना लगा रहे हैं। यदि हमारे एंटीने में प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ भी सही से नहीं लगेगा या कुछ होगा, तो हमारे सिग्नल कम हो जाते हैं, सिग्नल आने कम हो जाते हैं। एक वही नेटवर्क पकड़ता है जो इसके आसपास होगा लैपटॉप के, अदरवाइज दूसरे नेटवर्क ये नहीं पकड़ेगा, या दूसरे कमरे में हमारा राउटर लग जाएगा तो ये नहीं पकड़ेगा। ये होता है एंटीना, इसका जो एंटीना हम लगा रहे हैं इसी से सिग्नल स्ट्रेंथ होती है, तो वही एंटीना इसमें लगाया जा रहा है। सिग्नल स्ट्रेंथ के लिए ये एंटीना फिट होता है इसमें, ये टॉप पैनल में ही आता है हमारे। ये हिंच है इसका जिस पे ये हमारी मशीन घूमती है, तो ये थोड़ा लूज होना चाहिए, ज़्यादा टाइट ना हो, जिससे प्लास्टिक, क्या होता है प्लास्टिक में इतनी पावर तो होती नहीं है, वो ज़रा सा भी ज़्यादा लोड लेगी तो टूटने का चांस रहता है, इसलिए थोड़ा लूज हमारा हिंच लूज होना चाहिए। थोड़ा सा इंच लूज रहेगा तो हमारी प्लास्टिक टूटने, प्लास्टिक जब टूटती है जब हमारा इंच ज्यादा टाइट हो जाता है। तो ये टॉप पैनल चेंज करके हम पैकिंग कर रहे हैं हमारी मशीन की, बहुत ध्यान से करनी होती है, वही हम आपको हर बार बताते हैं कि हमारी बैटरी डिस्कनेक्ट कर लेनी चाहिए जब हम कुछ भी अपना बॉडी का या किसी भी प्रकार का कीबोर्ड वगैरह का मदरबोर्ड से अलग कोई काम कर रहे हैं, और हमारा मदरबोर्ड यदि रनिंग है तो हमें बैटरी हटा लेनी चाहिए। रनिंग भी ना हो हमें बैटरी सबसे पहले हटानी चाहिए, क्योंकि क्या होता है प्रॉब्लम बढ़ जाती है, यदि बैटरी लगा के कुछ शॉर्ट हो जाता है तो प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। तो वही बैटरी आप देखोगे हमने इसमें डिस्कनेक्ट की हुई है, हम लैपटॉप पैक कर रहे हैं। यदि आपके पास कोई भी लैपटॉप हो तो इस प्रकार का, जिसमें कोई बॉडी वगैरह का इशू हो, बॉडी वगैरह ना मिल रही हो, तो आप सूरज कंप्यूटर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी होती है कि आपकी बॉडी आपके वाली रिपेयर हो जाए। यदि उसमें हमें ऐसा लगता है कि ये रिपेयरेबल नहीं है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, तो ही हमें उस कंडीशन में ये चेंज करनी पड़ती है। पर हमारा मोस्ट प्रोबली जो पहला टारगेट होता है वो यही होता है कि हम इसमें चेंज ना करने की जरूरत पड़े, हम बॉडी रिपेयर करते हैं। तो यदि हम बात करें एसर एस्पायर A515 के कॉन्फ़िगरेशन की, तो ये मशीन i3 में होती है, i5 में होती है, विद ग्राफिक भी ये मशीन आई है। आप देखोगे जैसा कि इसमें GPU और CPU दोनों लगे हुए हैं। ये हमारा GPU, एक बार बताना सर GPU कौन सा है? GPU ये है और CPU ये है। 8GB रैम है, 256GB इन्होंने SSD अलग से लगवाई हुई है, इसमें M.2 का स्लॉट है, तो वो SSD आप अलग से लगवा सकते हैं। हार्ड डिस्क का स्लॉट भी इसमें है, यानी आपकी हार्ड डिस्क भी इसमें होती है। ये 1TB हार्ड डिस्क के साथ मशीन आई थी, इसमें इनबिल्ड SSD नहीं थी। SSD इस मॉडल में हमें बाहर से लगवानी पड़ती है A515 में, यदि हम इसकी बात करें तो। और 15 इंच में होता है, फुल ग्लोसी नहीं है, फुल HD स्क्रीन है, ग्राफिक कार्ड है इसमें, NVIDIA का ग्राफिक कार्ड जो हम बता रहे हैं लगा हुआ है। नॉर्मल हम बात करें तो इसकी ये i5 में मशीन है फिलहाल जो हमारे पास है, i5 आपका 7th जनरेशन, 4GB ग्राफिक कार्ड, 8GB रैम, 256GB SSD इसमें लगा हुआ है, और SSD ये आपकी हार्ड डिस्क 1TB हार्ड डिस्क लगी हुई है। अभी अब हार्ड डिस्क हमने हटाई हुई है तो काम नहीं हो चल रहा है, काम चल रहा है, तो मैं आपको दिखाऊं कि इसकी ट्रे में जो इसकी हार्ड डिस्क है ये 1TB की हार्ड डिस्क है। और स्क्रीन की हम बात करें, फुल HD स्क्रीन है इसमें, ग्राफिक कार्ड के साथ है तो ऑब्वियसली फुल HD स्क्रीन होगी। 15.6 इंच का इसका डिस्प्ले का साइज है। अब हम ये टॉप पैनल चेंज करके मशीन को चेक कर रहे हैं। तो हम यदि इसकी ओवरऑल बात करें मशीन की, तो मशीन भी हमारी ये अच्छी होती है, ग्राफिक वगैरह के ऑटो कैड वगैरह इस पर चल जाएगा हमारा,
ऑटोकैड हुआ, कोरल ड्रो हुआ, इस टाइप के सॉफ्टवेयर ये रन कर देगी मशीन, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जैसा कि आपको पता ही है विंडो 10 पे हमें SSD जरूर लगानी चाहिए, तो इसमें SSD लगा के ही इसको ओके किया गया है। ये अब अपने लास्ट फेज में चल रहा है, ये इसका बेस हम इसमें पैक कर रहे हैं, मशीन चेक हो गई है, क्योंकि टेस्टिंग हमें पहले करनी होती है कि पूरी पैक करने से पहले ही हम टेस्ट कर ले कि कुछ कनेक्शन वगैरह तो नहीं छूटे हैं, मशीन में कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं हुई है। ये हमारा लैपटॉप रेडी हो गया है। यदि आपके पास भी कोई भी लैपटॉप हो, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप सूरज कंप्यूटर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सूरज कंप्यूटर्स हर प्रकार के, हर टाइप के, कोई भी लैपटॉप हो, किसी भी कंपनी का हो, मल्टी ब्रांड जो हैं लैपटॉप रिपेयर करते हैं, कोई भी आपका किसी भी ब्रांड का कोई भी लैपटॉप हो तो आप सूरज कंप्यूटर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएँ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।